क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। क्या समस्या आपकी आए? मेरा समस्या यह है कि मेरे बहन की हत्या कर दी गई है। लोग बाग कहते हैं कि सांप ने काटा है। कौन कहता है? उनके जो है बच्चे कहते हैं, उनके पूरे। आपका घर कहाँ है? मेरा घर 14 परास में। आपकी बहन का घर कहाँ था? मेरे बहन का घर है जैनापुर। तो आपने थाने तहरीर वगैरह दिया कुछ? हाँ, तहरीर दिए हैं। तहरीर ये रही सर। किस कौन सा थाना पड़ता है वो? जलालपुर का थाना पड़ता है। तो तहरीर देने के बाद जो है कुछ न्याय मिला आपको? कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। आप कह रहे हैं आपकी बहन की हत्या हुई है, कैसे शंका लग रही है कि हत्या हुई है? हमें शंका ये लग रही है सर कि जो है हमारे बहन को कोई बीमारी नहीं थी, कि जैसे कि कोई हार्ट अटैक हो या कोई और बीमारी हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। तो कैसे शंका लगती? कुछ धमकी उमकी भी मिलती थी? धमकी हमें मिली है जो है, हमें भी पहले मिली थी कि जो ये मारते पीटते थे। तो कौन मारता पीटता था? उसके पति। अच्छा। तो ये जो है नाराज होके मेरे मामा के यहाँ गई। फिर मामा के यहाँ से गए, ले आए, फिर मारने पीटने लगे। फिर जो है ये हमारे घर पे आई। मेरे पिताजी मौके पे थे यहाँ पे। फिर मेरे पिताजी के साथ वो दिल्ली चली गई। फिर इसने फोन करके बोला मेरे बहन के पति ने कि जो है तुम चोरी से ले गए हो, अगर हम जान जाते तो हम मालीपुर स्टेशन डाकने नहीं देते। तो जो है फिर उसको जो है कैसे कैसे जो है फुसला के, बहला फुसला के दिल्ली से बुलाए। कौन बुलाया? मेरे अच्छा, उसके पति। हाँ। तो फिर मेरा भाई मझला भाई ले आके छोड़ के जो है छोड़ा भी, उनका जरई भी बैठाया, धान भी बैठाया। और फिर जो है जब जाने लगा तो मेरा जीजा बोला कि जो है देख लो यही आखिरी बार है, का पता दोबारा मौका ना मिले देखने को। अच्छा, धमकी दिया था? धमकी दिया था। कितने दिन बाद हत्या हुई आप? मेरे भाई के जाने के लगभग 15-16 दिन के बाद। तो शव का पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ हुआ है। रिपोर्ट मिली? रिपोर्ट एक मिली है, एक नहीं मिली जो बोलते हैं बिसरा रिपोर्ट। थाने पे FIR दर्ज हुआ कि नहीं अभी? आप FIR क्या, यही तहरीर दी है हम, दर्ज नहीं हुआ अभी। नहीं। ठीक, क्या चाहते हो? हम तो न्याय चाहते हैं सर। ठीक।